अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू एडमायरल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो स्टिच हम बनाना सीखेंगे उसका नाम है क्रोशे शेल स्टिच। तो आए शुरू करते हैं। शेल स्टिच बनाने के लिए मैंने बेस बना ली है 25 चेन रोज करके, उस पर सिंगल क्रोशे मैंने बना लिया है। आप लोग डायरेक्ट भी शुरू कर सकते हैं लेकिन मैं बेस बना रही हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले हमने ये सिंगल क्रोशे करना है। सिंगल क्रोशे के बाद हम अगले 3 स्टिचेस को छोड़ देंगे और चौथे में काम करेंगे। चौथे में हम डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। सेम स्टिच में हम 4 और डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। ये टोटल 5 डबल क्रोशे बन गए। उसके बाद हम जिस तरह हमने पहले 3 स्टिचेस छोड़े थे, अब हम यहाँ पे भी 3 स्टिचेस छोड़ के सिंगल क्रोशे बना लेंगे। इस तरह हमारा ये एक शेल कंप्लीट हो जाएगा। ये एक शेल बन चुका है। दूसरा शेल बनाने के लिए भी सेम हम 3 स्टिचेस छोड़ेंगे, चौथे वाले में 5 डबल क्रोशे बनाने हैं। बिल्कुल सेम पहले की तरह 3 स्टिचेस छोड़ के एक सिंगल क्रोशे। बिल्कुल इसी तरह हम ये रो कंप्लीट करेंगे। ये रो यहाँ कंप्लीट हो गई है। अब काम को टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद नेक्स्ट रो में, रो 2 में जो हमने शेल्स बनानी हैं वो पिछले 2 शेल्स के बीच वाले सिंगल क्रोशे जो बनाया था उस पर बनाना है। लेकिन अब यहाँ पे जब हम शुरू करेंगे तो हमें हाफ शेल बनाना होगा ताकि अगला शेल हम इन दोनों के बीच पे बनाएं। एक शेल बनाने के लिए 5 डबल क्रोशेस किए थे, तो हाफ शेल बनाने के लिए हम 3 डबल क्रोशेस करेंगे सेम स्टिच में। सबसे पहले 3 चेन्स करेंगे जो कि डबल क्रोशे के इक्वल होता है। उसके बाद 2 और डबल क्रोशेस बनाने सेम स्टिच में। अब रो 2 में सिंगल क्रोशे हम लास्ट वाले शेल के 3rd स्टिच में बनाएंगे। इसका मतलब है मिडल में हमने सिंगल क्रोशे बनाना है। इस तरह यहाँ ये हाफ शेल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट शेल बनाने के लिए हमें इन दोनों के बीच में जो सिंगल क्रोशे बनाया था उसमें 5 डबल क्रोशेस बनाने। उसके बाद एक सिंगल क्रोशे बनाना है प्रीवियस वाले सिंगल क्रोशे का।
आखिर में भी हम हाफ शेल बनाएंगे 3 डबल क्रोशेस की मदद से। मैं और रोज बना के दिखाती हूँ ताकि आपको पूरा स्टिच समझ में आ जाए। डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद कुछ ऐसे लगेगा। सारी ऑड नंबर रोज मतलब 1, 3, 5, 7 एक तरह से बनी हैं एंड इवन नंबर रोज 2, 4, 6 एक तरह से। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा और अगर आपके पास कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।